नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH के बारे में। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया गया था। इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से HAL द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, जबकि इसी साल एरो इंडिया शो के दौरान इसे इनिशियल ऑपरेशन क्लीयरेंस भी दे दिया गया था। 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में से 6 LUH इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और 6 LUH इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। वहीं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टुमकुर में फैसिलिटी को डेवलप किया गया है और पहला जो LUH होगा वो साल 2022 के शुरुआत में डिलीवर किया जाएगा। LUH इंडियन आर्मी के पास मौजूद चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाली है। हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो LUH को ऑर्डर करने से पहले इंडियन आर्मी के द्वारा इसके मल्टीपल टेस्ट किए गए थे, जहां अलग अलग लोकेशन और अलग अलग वेदर कंडीशन में इसके ग्राउंड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और परफॉर्मेंस को देखा गया था। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो LUH एक 3-टन क्लास सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसमें फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन का RDDN-1U टर्बोसाफ्ट इंजन को लगाया गया है, जो कि 700 किलोवाट से ज़्यादा का पावर जनरेट कर सकता है। इसमें ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया गया है और स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम को भी लगाया गया है। LUH के फ्रेम और स्ट्रक्चर को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2 पायलट और 6 पैसेंजर्स को इसमें एक साथ बैठाया जा सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड है। इसकी रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर से ज़्यादा का इसका रेंज है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 6500 मीटर्स की है। LUH को डिज़ाइन किया गया है वैरायटी ऑफ ऑपरेशन को करने के लिए। इसका इस्तेमाल सर्विलेंस, रिकॉनसेंस के लिए किया जा सकता है। LUH की मदद से स्मॉल ट्रूप्स और क्विक रिएक्शन टीम को स्पेशल मिशन पर भेजने के लिए किया जा सकता है, या किसी भी मिशन के समय में इसका इस्तेमाल फॉरवर्ड एयर कंट्रोल के तौर पर भी किया जा सकता है। वहीं किसी भी कैजुअलिटी और इवैक्यूएशन में LUH का इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 LUH की इस डील को इतना बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और साथ में इस लॉट के टाइमली डिलीवरी मिल जाने के बाद सेकंड लॉट में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे 185 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर HAL को दिया जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।